अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका मेरे चैनल गल्फी टीवी में लेकर हाज़िर हूँ कुवैत का एक लेटेस्ट अपडेट जो मैं आप तमाम हज़रात के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये अपडेट जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अपडेट में कुवैत सरकार ने एक फ़ैसला अपना बदला है, और बदलने के बाद लेटेस्ट अपडेट क्या कहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ख़बर यह है कि कुवैत आने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट की वैलिडिटी की मुद्दत, यानी कि अगर कहें कि जो वैलिडिटी थी उसे बदल दिया गया है। डिटेल्स के मुताबिक जहां सेहत के ऑफिसर्स यानी हेल्थ ऑफिसर्स दुनिया भर में वबाई हालत का लगातार जायज़ा ले रहे हैं, वहीं सबसे ज़्यादा तशवीश यानी कन्फ्यूज़न उन बैंड मुल्कों के हवाले से है जो वायरस से ज़्यादा अफेक्टेड हैं और उन पर मुल्क में इंट्री पर पाबंदी है। इन बैंड मुल्कों की सेहत की सूरत हाल का जायज़ा हर दस दिन बाद लिया जाता है, लेकिन इन मुल्कों से कुवैत में इंटर होने के लिए किसी गैर ममनुआ मुल्क यानी कि वो मुल्क जिन्हें बैन नहीं किया गया है उनमें 14 दिन का क्वारंटाइन गुजार कर और PCR टेस्ट की रिपोर्ट के साथ आया जा सकता है। सोर्सेज ने बताया कि आने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट साथ लाना लाजमी है, लेकिन PCR सर्टिफिकेट की वैलिडिटी यानी जो थी वो 72 घंटे यानी 3 दिन से बदल कर अब जो है 96 घंटे कर दी गई है, यानी कि 4 दिन कर दी गई है। सोर्सेज ने साफ कहा कि कुवैत आने के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन लाजमी है और इस हवाले से कोई नया फ़ैसला अब तक जारी नहीं किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि PCR टेस्ट की जो वैलिडिटी थी वो अब बढ़ा दी गई है, अब 3 दिन की जगह 4 दिन की वैलिडिटी मान्य होगी। यानी कि अगर आप आज से 2 दिन के बाद भी अगर सफ़र करते हैं कुवैत के लिए तो आपकी वो PCR टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो मान्य होगी, मान्यता प्राप्त होगी, मान्य और उसे लोग मान्यता देंगे और कोई उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता लेने से। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात को ये अपडेट पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।